जय हिंद प्यारे दोस्तों। इग्नू का नाम दोस्तों आपने जरूर सुना होगा। अगर आपको सुनने में आए कि इग्नू में रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हुआ है और वो भी आठवीं पास अप्लाई कर सकते हैं तो कैसा लगेगा दोस्तों आप सबको, तो ये ही अपॉर्चुनिटी के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। इग्नू में द इग्नू स्टाफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट सोसाइटी दिल्ली के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हुआ है जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें एडवर्टाइज में बताई हैं सारी अपनी वीडियो में कवर करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों द इग्नू स्टाफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट सोसाइटी के अंतर्गत कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट तीन टाइप की अलग अलग आउट हुई है, केयर टेकर, केयर गिवर और आया की वैकेंसी है। दोस्तों ये तीन पोस्ट आउट हुई है अलग अलग। इसमें बेसिकली दोस्तों हम बात करेंगे क्या क्या पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे अप्लाई करना, अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, उसको अच्छे तरीके से समझना और उसके बाद अप्लाई कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अपनी पोस्ट के बारे में। केयर गिवर की पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, आपने किसी फील्ड से ग्रेजुएशन की हुई है, आप सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है दोस्तों आया की, तो इसमें आठवीं पास मांगा गया है, इसमें मेंशन कर दिया गया, आप आपका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एडवर्टाइजमेंट का लिंक, वो आप रीड आउट जरूर कर लेना फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए। उसमें साथ साथ मेंशन कर दिया गया है कि भाई आप आठवीं पास होने चाहिए। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो इसमें साफ साफ बता दिया गया कि भाई कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 18 साल, कम से कम 18 साल है तो आप एलिजिबल रहेंगे। उसी के साथ साथ अब बात करते हैं सैलरी की, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं तो इस चीज को अच्छी तरीके से समझना है। इसमें लिखा सैलरी एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट के अनुसार आपको मिलेगी, यानी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। तो वो उसके लिए जानने के लिए आपको इंटरव्यू देना होगा, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि भाई कितनी आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्लोज नहीं करी है। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है सारी, इनको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकालना, उसके साथ हमने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सभी सर्टिफिकेट्स, ये सब लगा के सेल्फ टेस्ट करने हैं और सेल्फ टेस्ट करने के बाद एक लिफाफे में डालने हैं। उस लिफाफे के ऊपर मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अप्लाई इन, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आया, इन, इग्नू, SCDC, क्रैच, ये आपको मेंशन करना होगा दोस्तों। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं इग्नू SCDS क्रैच बिल्डिंग नियर कैंटीन इन फ्रंट ऑफ पार्किंग एट मेन गेट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी नई दिल्ली 110068। दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो 8 जुलाई 2022 से पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।